लेवरन माजरी पे स्वागत करुचे एठी हम बीएससी एनालॉग्स एंड एप्लीकेशंस थर्ड सेमेस्टर सेवेन चैप्टर साइनसोइडल ऑसिलेटर्स के इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जोटा एग्जाम पे इंपोर्टेंट सो वीडियो इंपोर्टेंट और वीडियो से देखो आज तुम बाकी सब चैप्टर्स इपड़ इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वीडियो देखा चाहो देन जाइए देखने प्ले लिस्ट प्ले लिस्ट अच्छे एग्जाम सिलेक्शन बीएससी एनालॉग्स एंड एप्लीकेशंस बोलिए सही तुम बाकी सब चैप्टर्स शॉर्ट क्वेश्चन वीडियो देखिपार तो जाइए देखनी ये आम सेवेन्थ चैप्टर साइनसोइडल ऑसिलेटर्स के इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखा देख फर्स्ट क्वेश्चन साइनसोइडल ऑसिलेटर्स प्रोड्यूसेस डेज वेव्स ओके ये क्वेश्चन रे ही आंसर अच्छे साइनसोइडल ऑसिलेटर प्रोड्यूसेस डेज वेव्स तो ये कौन अच्छे साइन अच्छे तो साइन वेव्सटा प्रोड्यूस कर साइनसोइडल ऑसिलेटर्स थ्योरी पढ़ला तुम पढ़ थो तो यार आंसर हो साइन वेव्स ओके साइनसोइडल ऑसिलेटर प्रोड्यूसेस साइन वेव्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू एन ऑसिलेटर कन्वर्ट्स डेस एनर्जी इंटू डेस एनर्जी ओके ऑसिलेटर काम कौन ऑसिलेटरटा डीसी एनर्जी को एसी एनर्जी रे कन्वर्ट करे तो यार आंसर हो एन ऑसिलेटर कन्वर्ट्स डीसी एनर्जी इंटू एसी एनर्जी ओके डीसी को से डीसी एनर्जी को एसी एनर्जी रे कन्वर्ट कर ऑसिलेटर ओके क्वेश्चन नंबर थ्री देख डेस ऑसिलेटर्स आर ऑसिलेटर्स हैविंग पॉजिटिव फीडबैक ओके ऑसिलेटर्स हैविंग पॉजिटिव फीडबैक इज नोन एज फीडबैक ऑसिलेटर्स ओके जो ऑसिलेटर्स पॉजिटिव फीडबैक थाउछि ता कहा जाए कौन फीडबैक ऑसिलेटर्स तो यार आंसर होची फीडबैक ओके नेक्स्ट द फीडबैक नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स इन डेस ऑसिलेटर्स ओके को ऑसिलेटर्स रे फीडबैक नेटवर्कटा इंडक्टर एंड कैपेसिटर कंसिस्ट करथाय एठी आंसर अच्छे इंडक्टर एंड कैपेसिटर इंडक्टर सिंबल कौन एल कैपेसिटर सी तो यहाँ हूँ एलसी ऑसिलेटर्स ओके एलसी ऑसिलेटर्स रे फीडबैक नेटवर्कटा इंडक्टर एंड कैपेसिटर कंसिस्ट करथाय ओके ठीक से भली द फीडबैक नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर इन डेस ऑसिलेटर्स ओके को ऑसिलेटर्स रे फीडबैक नेटवर्कटा रेजिस्टर एंड कैपेसिटर कंसिस्ट करथाय तो यार आंसर हो आरसी ऑसिलेटर रेजिस्टर माने आर कैपेसिटर हो सी तो यार आंसर हम आरसी ऑसिलेटर्स ओके आरसी ऑसिलेटर्स रा फीडबैक नेटवर्कटा रेजिस्टर एंड कैपेसिटर कंसिस्ट करथाय नेक्स्ट हो क्वेश्चन नंबर सिक्स डेस ऑसिलेटर्स जेनरेट सिग्नल्स इन रेडियो फ्रिक्वेन्सी रेंज ओके को ऑसिलेटर रेडियो फ्रिक्वेन्सी रेंज्र सिग्नल जेनरेट करे यहाँ हूँ कौन रेडियो फ्रिक्वेन्सी तो यहाँ हम आर एफ ऑसिलेटर्स ओके आर एफ ऑसिलेटर्स जेनरेट सिग्नल्स इन रेडियो फ्रिक्वेन्सी रेंज आर एफ ये तुम्हें बाहर कर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेन एन ऑसिलेटर इज डेस कन्वर्टर ये देख लो ऑसिलेटर कन्वर्ट्स डीसी एनर्जी इंटू एसी एनर्जी तो ऑसिलेटर कौन करुच्छे एनर्जी को कन्वर्ट करुच्छे डीसी रु एसी को से एन ऑसिलेटर इज एनर्जी कन्वर्टर ओके यार आंसर हो एनर्जी एनर्जी कन्वर्ट करे ऑसिलेटर नेक्स्ट एंड ऑसिलेटरी सर्किट इज अल्सो नोन एज डेस सर्किट ओके ऑसिलेटरी सर्किट को आम आउ गोटे नेम जानू से टैंक सर्किट ओके ऑसिलेटरी सर्किट को आम टैंक सर्किट बोली कहू टी एन के ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन एंड ऑसिलेटर हैज गुड डेस स्टेबिलिटी ओके ऑसिलेटर कौन था फ्रिक्वेन्सी स्टेबिलिटी भल था तो यार आंसर हो फ्रिक्वेन्सी ओके एंड ऑसिलेटर हैज फ्रिक्वेन्सी आ गुड फ्रिक्वेन्सी स्टेबिलिटी ओके क्वेश्चन नंबर नाइन आंसर है फ्रिक्वेन्सी स्टेबिलिटी नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर टेन ए सिंपल टैंक सर्किट कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश कनेक्टेड इन पैरेलल ओके सिंपल टैंक सर्किट रे कौन कौन पैरेलल रे कनेक्ट होगी था आंसर हो कैपेसिटर एंड इंडक्टर ओके कैपेसिटर एंड इंडक्टर कैपेसिटर को सी लिखि दूसरी इंडक्टर को एल लिखि दूसरे ओके ये तुम्हें फुल रे लिख सिंपल टैंक सर्किट और ऑसिलेटरी सर्किट कंसिस्ट ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर कनेक्टेड इन पैरेलल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हार्टली ऑसिलेटर जेनरेट्स डेस फ्रीक्वेंसी वेवफॉर्म्स ओके हार्टली ऑसिलेटर जेनरेट्स डेस फ्रीक्वेंसी वेवफॉर्म्स इटा होजे हाई फ्रीक्वेंसी ओके हार्टली ऑसिलेटर जेनरेट्स हाई फ्रीक्वेंसी वेवफॉर्म्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इन हार्टली ऑसिलेटर द टैंक सर्किट कंसिस्ट ऑफ डेस इंडक्टर्स एंड डेस कैपेसिटर्स ओके ये नंबर लिखा पड़ोटी ओके
हेडली ओसिलेटर रे टैंक सर्किटा केतरा इंडक्टर्स कंसिस्ट करिथे आउ केतरा कैपेसिटर्स। तो आंसर होची दुईटा इंडक्टर्स एंड गोटे कैपेसिटर्स। ओके तो एटा हला टू इंडक्टर्स एंड वन कैपेसिटर्स। ओके ठीक से भले आउ गोटे ओसिलेटर थाउची कोलपिट्स ओसिलेटर। द टैंक सर्किट कंसिस्ट ऑफ डैश इंडक्टर्स एंड डैश कैपेसिटर्स। ओके यार आंसर होची वन इंडक्टर्स एंड टू कैपेसिटर्स। ओके हार्टली ऑसिलेटर टैंक सर्किट टा टू इंडक्टर्स कंसिस्ट करता है एंड वन कैपेसिटर्स। किंतु कोलपिट्स रे टैंक सर्किट टा वन इंडक्टर्स कंसिस्ट करता है आउ दुईटा कैपेसिटर। ओके तो टू कैपेसिटर्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इन आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर द फीडबैक नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश। ओके आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर रे फीडबैक नेटवर्कटा कौन कौन कंसिस्ट करता है। यार आंसर होची रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। एन ऑसिलेटरी सर्किट हैज वेरी हाई डैश। ओके ऑसिलेटरी सर्किट्र कौन अधिक था एफिसीयसी हैज वेरी हाई एफिसीयसी लिखिद। ओके तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 15। आउ ठीक से भाई वन वर्ड क्वेश्चन मध्ये रही है किंतु सेम क्वेश्चन ये जहाँ सॉल्व करले से सब क्वेश्चन ये रिपीट खाली है। ओके तो ये सब तुम निजे मध्ये कर पारिबो। क्वेश्चन नंबर 1-5 वन वर्ड क्वेश्चंस। ओके तो ये थिला सेवेन्थ चैप्टर रो आउ गोटे चैप्टर बाकी रही है 8। ओके चैप्टर नंबर 8 आम नेक्स्ट वीडियो देखा। तो ये जो वीडियो की जाना पाइल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।